सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को सेहत से संबंधित वीडियो को लगातार देखने के लिए। दोस्तों, मैं हूं समीर, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्वेश्चन वर्स आंसर पर। यहां पर मैं घरेलू उपाय से इलाज करने का तरीका बताते रहता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सर्दी और जुकाम को लेकर। सर्दी जुकाम होना एक आम समस्या है, पर इससे तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, फिर भी इस बीमारी में दवाइयों का असर भी कम होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है देसी नुस्खे का इस्तेमाल, जो कि घर में बनाकर आप आसानी से सर्दी जुकाम को काबू में करके अपना इलाज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस नुस्खे को बनाकर आसानी से सर्दी और जुकाम से निजात पा सकते हैं। गर्म दूध या पानी में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में तेजी से फायदा होता है। ये नुस्खा न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी कारगर साबित होता है। हल्दी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होता है, जो सर्दी जुकाम से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। अदरक से तो बहुत सारा फायदा होता है, लेकिन अदरक की चाय हमें सर्दी और जुकाम से राहत देती है। सर्दी जुकाम या फिर फ्लू के सिस्टम में आप अदरक को टुकड़ा टुकड़ा करके उसमें गर्म पानी या फिर दूध डालिए। अब उसे कुछ देर तक उबलने के बाद पीजिए। ये नुस्खा आपको सर्दी जुकाम से राहत पाने में तेज़ी से मदद करेगा। नींबू और शहद का इस्तेमाल से भी सर्दी और जुकाम में फ़ायदा होता है। दो चम्मच शहद में एक चम्मच नींबू का रस एक गिलास गुनगुने पानी या फिर गर्म दूध में मिलाकर पीने से काफ़ी फायदा होता है। लहसुन सर्दी जुकाम से लड़ने में हमारी मदद करता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक रसायन होता है, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल होता है। लहसुन की 5 कलियां को घी में भूनकर खाइए। ऐसे एक दो बार खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है और सर्दी जुकाम के संक्रमण को तेज़ी से दूर करता है ये लहसुन। तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। एक कप गर्म पानी में 5 से 7 तुलसी पत्ता लेकर उसमें एक टुकड़ा अदरक भी डाल दीजिएगा। उसे कुछ देर तक उबलने के बाद काढ़ा बनाइएगा। जब पानी आधा रह जाएगा तब उसे ठंडा करके धीरे धीरे पी लीजिए। ये नुस्खा बच्चों के साथ बड़ों को भी सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की भला हो सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। अब मैं चलता हूँ, नमस्कार।